हेलो ट्रेडर्स, कैंडलस्टिक चार्ट टेक्निकल एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हम सभी जानते हैं, कैंडल को रीड करना एक ऐसी स्किल है जो हर ट्रेडर को आनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे जो आपको चार्ट के अंदर बहुत ही पावरफुल सिग्नल देता है मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग करने के। मैं हूं सीए रजत आलूरिया, क्वांट एनालिस्ट एट एंजल वन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज हम जिस पैटर्न की बात करने वाले हैं वह है मारुबुजू। मारुबुजू एक जापानी शब्द है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है बाल्ड। अब इसे बाल्ड क्यों कहते हैं, ये हम वीडियो में आगे देखेंगे। देखिए, मारुबुजू दो टाइप की होती है, बुलिश मारुबुजू एंड बियरिश मारुबुजू। सो मारुबुजू कैंडल कुछ इस तरीके की दिखती है। हम सभी जानते हैं कैंडल जो है चार प्राइस पॉइंट से मिलकर बनती है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, एंड तीन हिस्सों में कैंडल होती है, रियल बॉडी, अपर शेडो एंड लोअर शेडो। मारुबुजू कैंडल को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मारुबुजू कैंडल में कोई भी शेडो नहीं होती है, वह पूरी कैंडल जो होती है रियल बॉडी होती है, ना उसमें अपर शेडो होती है ना उसमें लोअर शेडो होती है, और अगर शेडो होती भी है तो बहुत ही छोटी, ना के बराबर शेडो होती है। मेन जो मारुबुजू कैंडल है वह रियल बॉडी की ही बनती है। अब अगर बुलिश मारुबुजू है, मतलब कैंडल का कलर ग्रीन होगा, ये हमें बताएगी कि प्राइस ऊपर गया है, तो उसमें ओपन प्राइस विल बी इक्वल टू लो एंड हाई प्राइस विल बी इक्वल टू क्लोज। ये पैटर्न हमें बताता है कि जिस पॉइंट पे प्राइस ओपन हुआ वहाँ से बिल्कुल भी नीचे नहीं गया, वहाँ से लगातार ऊपर चलता चला गया एंड इतना ज़्यादा बाइंग प्रेशर आया कि प्राइस ऊपर चलता चला गया और अल्टीमेटली क्लोजिंग जो हुई है कैंडल की वह हाई पे जाके हुई है। इसका मतलब ये है कि हमें इस कैंडल में बुल्स की ताकत देखने को मिली और बेयर्स मार्केट को थोड़ा भी नीचे नहीं ले जा पाए। सो इस कैंडल के फॉर्म होने के बाद, हाई पे क्लोज होने के बाद, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम फ्रेम की जो भी कैंडल ओपन होगी वह भी बुलिश होगी, बुलिश प्रेशर नेक्स्ट कैंडल में भी कंटिन्यू रहेगा। तो चार्ट पे ये कैंडल जब भी हमें देखने को मिलती है तो ये हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि बुल्स अभी पावरफुल हैं, बुल्स मार्केट में बाइंग इनिशिएट कर रहे हैं, और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है वह थोड़ा भी ऊपर जाने की कोशिश करती है तो हम उसमें बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, और आप एंटर करने के बाद अपना स्टॉप लॉस बुलिश मारुबुजू के लो के नीचे लगा सकते हैं। वैसे ही बियरिश मारुबुजू कैंडल में प्राइस ओपन होते ही लगातार आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, अल्टीमेटली कैंडल लो के पास जाके क्लोज हुई है। तो बियरिश मारुबुजू कैंडल में ओपन इज इक्वल टू हाई एंड लो इज इक्वल टू क्लोज होता है। सो ये कैंडल फॉर्म होने के बाद आप एक सेल ट्रेड ले सकते हैं नेक्स्ट कैंडल में और अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इस कैंडल के हाई के ऊपर। सो मारुबुजू कैंडल को ट्रेड करने से पहले दो बातें जानना बहुत ही जरूरी है। पहला, बी फ्लेक्सिबल विद द पैटर्न। आपको बिल्कुल स्ट्रिंजेंट नहीं होना है कि उसमें बिल्कुल भी विक ना हो। हो सकता है कि मारुबुजू कैंडल बने उसमें छोटी मोटी विक्स आपको देखने मिले तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। आपको फोकस ये करना है कि रियल बॉडी बहुत ज़्यादा हो और छोटी मोटी विक्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है लेंथ ऑफ कैंडल। लेंथ ऑफ कैंडल मारुबुजू में बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडल बहुत छोटी भी ना हो, बहुत बड़ी भी ना हो, कैंडल 1% की प्राइस रेंज से छोटी भी ना हो, जैसे कि उसका ओपन एंड क्लोज का जो प्राइस रेंज है वह 1% से कम नहीं होना चाहिए और 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1% से कम है तो यह हमें बताता है कि बाइंग प्रेशर हुआ है, बुलिश मारुबुजू के केस में बाइंग प्रेशर हुआ है, बट उतना ज़्यादा नहीं हुआ है कि प्राइस को और ज़्यादा ऊपर ले जा सके। वैसे ही अगर बहुत बड़ी मारुबुजू कैंडल बन जाती है, 10% से ज़्यादा मूव अगर आ जाता है एक कैंडल में, तो इस बात से हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि अब जितनी ज़्यादा बाइंग होनी थी वह हो चुकी है। हो सकता है कि प्राइस ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो चुका हो तो अगली कैंडल में प्राइस का रिवर्स होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आपको 1% से छोटी कैंडल को मारुबुजू कंसिडर नहीं करना है और 10% से बड़ी कैंडल को मारुबुजू कंसिडर नहीं करना है। आइए चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं मारुबुजू कैंडल को। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चार्ट में मारुबुजू कैंडल, यहाँ पे आप एक बहुत ही बड़ी रियल बॉडी ग्रीन कैंडल देखेंगे एंड विक्स बनी है, लेकिन छोटी छोटी विक्स हैं, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट मारुबुजू कैंडल है। इस कैंडल के फॉर्म होने के नेक्स्ट कैंडल में आप बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ लो ऑफ मारुबुजू कैंडल। मारुबुजू कैंडल के लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वैसे ही आप देख पा रहे हैं बियरिश मारुबुजू कैंडल, एक सॉलिड रेड कलर की कैंडल जिसका ओपन एंड हाई इज इक्वल एंड लो एंड क्लोज इज इक्वल। सो ये कैंडल हमें बियरिश सेंटिमेंट दिखाती है, तो नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे आप इसको बाय कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ हाई ऑफ बियरिश मारुबुजू कैंडल।
सो ये था वीडियो मारुबुजू कैंडल के बारे में। आशा करता हूँ हम मारुबुजू कैंडल पैटर्न को समझे होंगे एंड चार्ट पे इस कैंडल को आइडेंटिफाई करना चालू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के जो वीडियोज़ हैं इस सीरीज़ को मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.